डियर स्टूडेंट्स लेट एस स्टार्ट विद डवेलपेबाइट उसके अंदर जो पहला हमारा स्टेप होगा वो ये कि हम लोग एच टी एम एल को समझें आई एम प्रटी श्योर कि आप में से बहुत से लोग एच टी एम एल को जानते होंगे और शायद आप लोगों ने उसके अंदर काम भी किया हो लेकिन डोंट वरी यू हैवेंट वर्क ऑन एच टी एम एल सो फार तो हम लोग एक बेसिक्स से जो है वो शुरू करेंगे और फिर हम लोग आगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ जो है वो जाएंगे यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी हम लोग किसी लेक्चर के अंदर एच का कोई टैग स्टडी करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए लेक्चर को पॉज करके उस टैग को ख़ुद से आप एक वेब पेज बना लें नोट की एक फ़ाइल बना लें उसके अंदर आप वो टैग टाइप करें और उसको टेस्ट करके देखें और फिर साथ उस टैग के बारे में डिटेल्ड इन्फॉमेशन अगर आपको चाहिए तो मुज़िला डेवलपर नेटवर्क एम की वेबसाइट पर आपने जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख लेनी है वहाँ पे आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाएंगी ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये टैग कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और फिर उसकी जो आपकी कुछ ट्यूटोरियल्स हैं इन्फॉर्मेशन है एग्जाम्पल्स हैं है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि वेन एवर वी सीडी पर्टिकुलर टैग और लेटर ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो आप इमीजिएटली उसको फौरन आप टेस्ट करें और फिर आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें तो जो एच टी एम एल है इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज और मार्कअप होता क्या बेसिकली मार्कअप ये होता है कि आपके जो कॉन्टेंट्स हैं ऑन टॉप ऑफ इट आप कोई एडिशनल चीज़ उसके बारे में बता रहे होते हैं कॉन्टेंट्स के बारे में इसकी अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एच टी एम एल के मुख्तु वरियन चलते रहे हैं अभी आजकल कल एच टी एम एल फाइव चल रहा है इससे पहले एस टी एम एल फोर था पैरल में एक्स टी एम एल चल रहा था तो मुख्त हैं हमारे एच टी एम एल के जो यूज़ में रहे हैं और आज कल जो है वो एच टी एम एल फाइव जो है वो यूज़ हो रहा है टू अंडरस्टैंड द मार्कअप यू कैन थिंक ऑफ एन असाइनमेंट दैट यू सबमिट टू योर टीचर आप जब टीचर को अपनी असाइनमेंट भेजते हैं तो आपके टीचर उसको चेक करते हैं और आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसे मार्क करते हैं बताते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है या आपने यहाँ पे ये गलती की है उस वो वो जो टीचर फीडबैक दे रहे यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मार्कअप और वो मार्कअप का कैसे पता चलता है कि वो आपके कॉन्टेंट से डिफरेंट है अगर आपने ब्लू पेन से एक असाइनमेंट लिख के जमा कराई है तो आप देखेंगे मार्कअप यूजअली आपके पास रेड पेन से होगा अब आप जहाँ पे रेड पेन देख लेंगे तो यू नो दिस आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट्स बट दिस इज़ सम फीडबैक गिवन बाई द टीचर वो आपके पास यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मार्कअप आपके पास बुक्स के अंदर अगर आपने कोई नोट्स अपने बनाने हैं तो आप स्टिकी नोट्स कर लेते हैं हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं तो ऑल दोज एग्जाम्पल्स आर यू कैन थिंक ऑफ दम एज मार्कअप एक जो टूल आपने यूज़ करना है यू मस्ट ट्राई दिस टूल वो हमारे पास डब्ल्यू थ्री सी का एच टी एम एल वेलीडेटर है ठीक है इस वैलिडेटर के अंदर क्या करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है तो आप उसका यू दे देते हैं नहीं तो अगर आपने एस पेज कोई क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं और वैलिडेट के बटन को क्लिक कर देते हैं आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा एच का वर्जन है जिसके अंदर आपने ये स्क्रिप्ट लिखा है या कोड लिखा है और ये आपके पास जो एच का कोड होगा ये वैलिडेट करके इसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं साइंटेक्स एरर हैं वो भी पता चल जाएंगे और अगर कोई रिकमेंडेशन जो आपने फॉलो नहीं कि तो वो वार्निंग्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे जिस तरह एक आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है वो ये कि अगर आप इमेज का टैग यूज़ करते हैं एक अपने वेब पेज में इमेज डिस्प्ले करने के लिए लेकिन इमेज के साथ आप आर्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं देते तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि इमेज के साथ आपको आर्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए तो यू मस्ट यूज़ दिस टूल एज अ डेवलपर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी एज वी डिस्कस्ड के हमारे पास आजकल कल एच टी एम एल फाइव यूज़ हो रही है और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास मॉडर्न ब्राउजर्स हैं दे एच टी एम एल फाइव एक एस टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है एक वेब पेज के अंदर क्या होता है हमारे पास एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर एच टी एम एल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम हम एच टी एम एल भी कहते हैं एक एच टी एम एल एलिमेंट जो है उसे हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका हमारे पास कोई नेम होगा अब आपने इमेज डिस्प्ले करना है पेज के अंदर उसके लिए एक एलिमेंट यूज़ होगा आपने कोई लिंक डालना है उसके लिए एक और एलिमेंट यूज होगा आपने टेबल क्रिएट करना है उसके लिए कोई और एलिमेंट होगा तो मुख्त आपके पास एलिमेंट्स होंगे हर एक अपना एक यूनिक नेम होगा उस नेम से पहले आपके पास एंगल ब्रैकेट आएगी लेस देन का साइन आएगा फिर आपके पास एलिमेंट का नेम होगा और फिर उसके बाद आप फर्दर एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास एंकर का टैग यूज़ हुआ हुआ है एंकर का एलिमेंट है जो लिंक्स के लिए यूज़ होता है एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास उसके मुख्तु हिस्से होते हैं एक हमारे पास उसके अंदर ओपनिंग टैग हो गया जो यहाँ पे आपके पास लेस देन से लेके ग्रेटर देन तक का जो है ये आपके पास ओपनिंग टैग हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से होते हैं एक एलिमेंट का नेम हो जाएगा जिस तरह एंकर ए इस केस में नेम है और फिर उसके बाद कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिस तरह लिंक है तो आप किसी वेबसाइट को लिंक करेंगे तो वो जो आपके पास लिंक की इंफॉर्मेशन है वो आप एच रेफ़ के एट्रीब्यूट में देंगे तो नेम के साथ जो आपके पास कीज़ uh, और वैल्यूज़ नजर और आ रही होंगी दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि उसके साथ वैल्यू भी हो खाली एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो लेकिन अगर वैल्यू होगी तो आपके पास इक्वल टू के बाद वो वैल्यू होगी एच का टैग जिस तरह ओपन होता है यहाँ पे एक को जिस तरह हम लोग ओपन करें इसी तरह वो हमारे पास किसी जगह पे जाके क्लोज होगा उसको हम लोग क्लोजिंग टैग देंगे तो एच एलिमेंट का एक आपके पास ओपनिंग टैग होगा एक आपके पास क्लोजिंग टैग होगा उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो चीज़ होगी उसको आप कॉन्टेंट कहेंगे दिस कॉन्टेंट कैन बी सम टेक्सुअल कॉन्टेंट और दिस कॉन्टेंट कैन बी कैन कॉन्टेंट सम अदर एस एलिमेंट्स एज वेल जरूरी नहीं है कि हर एच एलिमेंट के हमारे पास कुछ कॉन्टेंट्स हों जिस तरह हमारे पास इमेज का जो एच एलिमेंट है जो वेब पेज के अंदर इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है उसका हमारे पास उसके अंदर कोई टेक्चुअल कॉन्टेंट्स नहीं होते ठीक है।, है उसको हम लोग सिंपली क्लोज भी कर सकते हैं मतलब जिस तरह हम लोगों ने आई लिखा यहाँ पे हम लोगों ने जो जे uh, या पी जो भी फाइल है उसका हम लोगों ने पाथ uh, दिया और फिर हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया ठीक है तो वी डू नॉट नीड टू हैव अ क्लोजिंग आई एम जी राइट right? इसकी हमें जरूरत नहीं है बस इट इज सफिशेंट टू हैव आई एम जी के अंदर बहुत अरसे तक हमारे पास एक वर्जन यूज होता रहा है एक्स एच टी एम एल का वो भी हमारे पास एच टी एम एल होती थी लेकिन वो एच टी एम एल जो है वो स्ट्रिक्टली एक डॉक्यूमेंट भी होता था तो जब आप एक्स एम एल डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो आपके पास जब एक एम टी एलिमेंट होता है तो उसको आप क्लोज करने से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लेते हैं ठीक है तो वो हमारे पास एक उससे पता चल जाता है कि ये एक एम टी एलिमेंट है इसके कोई टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स नहीं है लेकिन इन एच टी एम एल फाइव इट इज़ फाइन वेदर यू यूज द फॉरवर्ड स्लैश और नॉट इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस बट इफ यू हैड बिन वर्किंग ऑन एक्स एच टी एम एल तो फिर यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद टैग को जो है वो क्लोज करना होता है एच टी एम एल एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास नेस्टिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमें नेस्टिंग क्या होती है कि जब एक एच टी एम एल एलिमेंट के अंदर एक दूसरा एलिमेंट आता है तो हमारे पास किस एलिमेंट ने पहले क्लोज होना है तो so, नेस्टिंग के अंदर हमेशा इस तरह होता है कि जो नेस्टेड एलिमेंट होता है इट मस्ट क्लोज फर्स्ट तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जो आपके पास ये ऊपर एग्जाम्पल है यहाँ पे एच वन का एक टैग है जो हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है और फिर उसके अंदर एक नेस्टेड टैग है स्ट्रॉन्ग का ठीक है एच वन के टैग के अंदर एक और हमारे पास टैग uh, है अब एच वन के क्लोज होने से पहले जो नेस्टेड एलिमेंट है उसका क्लोज होना जरूरी है तो पहले स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्लोज होगा फिर उसके बाद हमारे पास एच वन क्लोज होगा राइट right? अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास नेस्टिंग इनकोरेक्ट कैसे हो सकती है तो यहाँ पे देखें एक एग्ज़ाम्पल इकोरेक्ट नेस्टिंग की कि हमारे पास एच वन का एलिमेंट आया उसके अंदर एक एलिमेंट आया स्ट्रॉन्ग का फिर हमारे पास एच वन का एलिमेंट क्लोज हुआ और फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट क्लोज हुआ नॉट दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल वी वुड नॉट डू दिस थिंग तो ये इतना आपने याद रखना है कि नेस्टेड एलिमेंट जो हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट है वो पहले क्लोज होगा फिर जो बाहर वाला एलिमेंट है वो हमारे पास बाद में क्लोज़ होगा यह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है इसके अंदर हम लोग जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में रिलेशन हम लोग देख सकते हैं जिस तरह हमारे पास बॉडी का एक एलिमेंट है इसका हमारे पास एक चाइल्ड है पेरेंट एक चाइल्ड हमारे पास पेरेंट का एलिमेंट है एक एच वन का एलिमेंट है एक डिफ का एलिमेंट है तो ये सारे हमारे पास चिल्ड्रन हैं बॉडी के एलिमेंट के और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इन सब का पेरेंट है अब अगर हमारे पास सिर्फ चिल्ड्रन की बात करें तो वो हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्टली हमारे पास नेस्टेड होंगे एक आउटर एलिमेंट के अंदर लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके अंदर फर्दर हमारे पास चिल्ड्रन हो जिस तरह बॉडी के अंदर पैराग्राफ है पैराग्राफ के अंदर हमारे पास स्ट्रॉग है तो अब हम लोग ये कहेंगे कि जो स्ट्रोंग का एलिमेंट है ये हमारे पास बॉडी का डिसेंडेंट है ठीक है मतलब पी भी डिसेंडेंट होगा स्ट्रॉग भी डिसेंडेंट होगा ये सारे जो है हमारे पास मतलब चाइल्ड जो है वो फर्स्ट लेवल पर होगा लेकिन फर्स्ट लेवल से आगे वाले जो हैं उन्हें हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड तो नहीं कहेंगे हम लोग उसको डिसेंडेंट्स कहेंगे और डिसेंडेंट्स की इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगी इंसेस्टर्स जिस तरह स्ट्रॉग का इंसेस्टर जो है वो हमारे पास पी भी है और उसका इंसेस्टर हमारे पास बॉडी भी है जो हमारे पास एच टी एम एल नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह जो आउटर मोस्ट हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमारे पास ट्री के रूट पे आ जाएगा और फिर उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो हमारे पास उसके ट्री के अंदर उसके चाइल्ड बन जाएंगे और फिर जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे वो हमारे पास उसके फर्दर चिल्ड्रन बन जाएंगे तो यहाँ से किसी भी आप एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को आप एक ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास ये जो नेस्टेड रिलेशन हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे